नमस्कार सुप्रभातम। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और चलते हैं बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। चूड़ा की हड़ताल लगातार जारी है और ऐसे में चूड़ा हड़ताल पर सरकार ने याचिका लगाई है। तो बता दें आपको, याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। चूड़ा और मंत्री के बीच हुई बातचीत में नहीं निकल सका कोई हल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त राजधानी भोपाल से। चूड़ा हड़ताल पर सरकार ने याचिका लगाई है। याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। चूड़ा और मंत्री के बीच हुई बातचीत में अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है, तो वहीं याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त राजधानी भोपाल से। चूड़ा हड़ताल पर सरकार ने याचिका लगाई है। याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो वहीं बता दें आपको कि चूड़ा और मंत्री के बीच हुई बातचीत में नहीं निकला है कोई हल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ महेंद्र विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। महेंद्र जी, आप जानना चाहेंगे यहाँ पर कि चूड़ा हड़ताल लगातार जारी है और ऐसे में अब सरकार ने याचिका लगा दी, सुनवाई होनी है, क्या कुछ कहना है? बिल्कुल अनन्या, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन और जो सरकार के मंत्री हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, उनके बीच कल बातचीत से ये समझ में आ रहा था कि कुछ हल निकलेगा और जूनियर डॉक्टर जो है वापस अपने काम पर लौटेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल तलखी का माहौल मंत्री और जूडा में देखने को मिला, वो मुलाकात के दौरान ही समझ में आ गया था, जब जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर या बातचीत को लेकर मंत्री विश्वास सारंग के यहाँ गए और वो 5-10 मिनट में ही पूरा मामला समेट दिया गया और जूड़ा अपने बयानबाजी करता रहा और मंत्री विश्वास सारंग सरकार की ओर से अपनी। हालांकि मंत्री विश्वास सारंग ने यहां पर जूनियर डॉक्टर से अपील की है कि हाई कोर्ट के जो निर्देश हैं उनका पालन करें और उनके आदेश के हिसाब से आप जो है काम पर लौटें। लेकिन जूनियर डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं और चूंकि सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टरों पर कार्रवाई भी कर दी है, जूनियर डॉक्टर्स पर भी कार्रवाई कर दी है, बॉन्ड के पैसे अब सरकार लौटाने की बात कर रही है रेजिडेंट डॉक्टरों से, तो ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा उग्र हो गए हैं और उसके सरकार के खिलाफ लगातार अपनी हड़ताल जारी करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचता। हाईकोर्ट ने चूंकि निर्देश दिए थे तो हाईकोर्ट में उन्होंने एक और याचिका लगाई है कि अब आज उसकी सुनवाई है। अब हाईकोर्ट क्या निर्णय देता है क्या नहीं देता है ये तो फिलहाल अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि सरकार के हाथ में अभी गेंद है क्योंकि सरकार मजबूत है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने जिस तरीके से अपना रवैया, नर्म रवैया अपनाया और जूड़ा की 4 मांगे मान ली, तो ये माना जाएगा कि कोर्ट जो है वो दोनों की बात सुनेगा, जूनियर डॉक्टर्स की भी बात सुनेगा और सरकार की भी बात सुनेगा। तो सरकार का पक्ष यहाँ पर मजबूत है अनन्या, तो ये बिल्कुल साफ तौर पर है कि जूनियर डॉक्टर्स की जो हठधर्मिता है उसको लेकर हाईकोर्ट कुछ अब क्या निर्णय देगा ये अभी देखना बाकी है। जी धन्यवाद महीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त राजधानी भोपाल से। चूड़ा हड़ताल पर अभी तक सरकार और चूड़ा में कोई बातचीत नहीं बन पाई है, कोई हल नहीं निकला है। इसको लेकर आज जो है बता दें आपको हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिका यहाँ पर सरकार ने लगाई है चूड़ा पर और ऐसे में आज हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है।